ये जो है ये ओरिजिनल एडाप्टर है, बाकी सारे डुप्लीकेट है। तो हम इससे ही सभी को कंपेयर करेंगे, इसी से ही सब डिटेल देखेंगे और बाकी सब में कंपेयर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनबॉक्सिंग राज जाटव। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या पे हम और भी अच्छी वीडियो कैसे बनाए उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया है, उन्होंने आईफोन का एडाप्टर परचेस करना है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो परचेस कहाँ से करें और कैसे समझ में आएगा कि वो ओरिजिनल एडाप्टर ही परचेस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ओरिजिनल एडाप्टर डुप्लीकेट एडाप्टर में क्या अंतर है। उसके लिए मैंने कई सारे एडाप्टर मंगा रखे हुए हैं, अब इनमें हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंट है। वो ओरिजिनल चेक कर रहे हैं तो 600-700 रुपये में भी एडाप्टर आ रहा है, वो 1600-1700-1800 में भी एडाप्टर आ रहे हैं। कंपनी ने प्राइसिंग जो रखी है एडाप्टर की 1900 रुपये रखी हुई है, लेकिन मार्केट में 600-700-800 रुपये में एडाप्टर मिल जाता है। अब हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर एप्पल ने किसी चीज़ के रेट रखे हुए हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता। जो 600-700 में मार्केट में एडाप्टर मिलेगा या ऑनलाइन में एडाप्टर मिलेगा 600-700-800-900 रुपये में, तो कहीं से भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम कई सारे एडाप्टर जैसे मैंने बताया लेके आए हैं, अब इनको हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस कई सारे एडाप्टर लेके आया हूँ मैं, हमारे पास कई सारी वैरायटी है, लेकिन इसमें ओरिजिनल पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मुझे यहाँ पे मुश्किल आ रही है, वैसे आपको भी जज करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन मैं जो परचेस करके लाया हूँ ओरिजिनल, वो अलग है, ये ओरिजिनल एडाप्टर है, बाकी सारे डुप्लीकेट है। तो हम इससे ही सभी को कंपेयर करेंगे, इसी से ही सब डिटेल देखेंगे और बाकी सब में कंपेयर करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसी से ही जज करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसकी क्वालिटी जो है, ये राइट हैंड साइड में स्टिकर लगा हुआ है जिसमें कंपनी की डिटेल दी है कि ये एडाप्टर कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है। ऊपर मोनो है इसका, और इसमें एक साइड एक और स्लिप लगी हुई है। इसमें एप्पल वॉच और आईफोन और आईपैड के लिए एडाप्टर है, ये डिटेल है। अब इसमें पीछे साइड भी डिटेल है और सबसे पीछे भी इसमें डिटेल दिए लोग। बाकी सब एडाप्टर भी हम इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इतनी डिटेल में जाने से अच्छा जो बेसिक डिटेल, जो ज़्यादा काम की बात है, जो मैंने डिटेल निकाली है उसी पर भी फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे इसका कनेक्टर, जो कनेक्टर बॉक्स को लटकाने वाला है वो बीच में है। ये जो बीच में बॉक्स का कनेक्टर है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लगा, क्योंकि देखो कई सारे इसमें ये जो है वो बीच में नहीं है लटकाने वाला ऑप्शंस, जो है इसमें है तो लास्ट में है। सिर्फ एक ही एडाप्टर जो है जिसमें बीच में मुझे ये ऑप्शंस मिला है लटकाने वाला, ठीक है ना। और इसके बाद में दूसरी चीज़ देखेंगे ना, तो ये पे जो ओपन करने वाला ऑप्शंस है, ये जो ओपन करने वाला आईफोन में भी आता है एडाप्टर को, बॉक्स को ओपन करने के लिए जो स्लिप है, वो स्लिप ही होना चाहिए। हम देखेंगे जैसे कि ये वाले एडाप्टर में स्लिप है, लेकिन दूसरे एडाप्टरों में स्लिप नहीं है। इसकी स्लिप निकल गई है, इसकी भी स्लिप नहीं, लेकिन कुछ एडाप्टरों में ये स्लिप आई नहीं है, डायरेक्टली ओपन करने का आया। आईफोन ऐसे एडाप्टर नहीं बनाता जिसको आप डायरेक्टली ओपन कर लो, आईफोन ऐसे एडाप्टर बनाता है जिसको हम ये प्रोडक्ट जिससे हम यहाँ से निकाल कर ओपन करेंगे। तो एक ये एक बड़ी बात हो गई। और भी डिफरेंस देखेंगे हम, और भी डिफरेंस क्या क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया कि इसमें हमें बीच में कनेक्टर मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरा कनेक्ट ये है कि यहाँ पे हमें लास्ट में ओपन करने का आना चाहिए। थर्ड बात जो आती है, जो एडाप्टर का लोगो है, वो जो इसमें लोगो है उसमें सेम कलर दिए हुए हैं ऊपर साइड में, और यहाँ पे जो दिख रहा है क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक होल टाइप का दिख रहा है जो कि पकड़ने के लिए एडाप्टर को, वो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो इतना अच्छा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये लाइनिंग तो दिख ही नहीं रही है, और ये सब कुछ सिमिलर है, और ये इधर उधर कलर में डिफरेंस है। और अब दूसरा एडाप्टर देख लेते हैं, यहाँ पे भी लाइनिंग नहीं दिख रही है, कलर में डिफरेंट क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अब तीसरा एडाप्टर देख रहे हो तो यहाँ का कलर तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, ऊपर का और नीचे साइड भी कुछ डिफरेंट ही नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन पकड़ने का मोनो सभी में दिख रहा है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी ऊपर ज़्यादा डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट अलग है, ये और ये अलग कलर है, और यहाँ पे लाइनिंग वगैरह दिखाई नहीं दे रही। अब ये वाला देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही, ऊपर नीचे में डिफरेंट है। तो ये एक बड़ी बात हमारी पकड़ में आई है कि ये जो है लाइनिंग दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ पे और इनके कलरों में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एक तो ऊपर वाले कनेक्टर का हो गया, एक ये स्लिप का हो गया ओपन करने वाली, और एक ये हो गया। अब चौथा बेसिक देख लेते हैं हम, जज कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जो कंपनी ने स्लिप लगाई है वो नीचे की लाइन में लगाई है, यहाँ पे लगाई है, नीचे की लाइन में लगाई है, बिल्कुल साफ तरीके से। और यहाँ पे भी जो स्लिप है, नीचे की लाइन में स्लिप लगी है। अब हम दूसरे एडाप्टरों को देख लेते हैं, इसमें इधर साइड स्लिप है लेकिन ऊपर है ना,
इसमें पीछे साइड भी स्लिप है, इसमें नीचे साइड स्लिप है लाइन में, और एक साइड स्लिप ही नहीं है, तो ये अलग समझ में आता है हमें। अब दूसरा एडाप्टर देख ले तो यहाँ पे भी नीचे साइड स्लिप नहीं है, हवा में स्लिप है, यहाँ पे नीचे साइड है, यहाँ पे स्लिप ही नहीं है, तो ये दूसरे एडाप्टर में भी डिफरेंट है। इसमें तीसरे एडाप्टर में भी एक साइड स्लिप नहीं है, इसमें तो पीछे साइड भी स्लिप नहीं है और इधर भी नहीं है, मतलब ये तो एक बेसिक बहुत ही ज़्यादा लोकल एडाप्टर लगता है, किधर भी स्लिप नहीं है। अब इसमें जो है डिटेलिंग वगैरह, इसमें स्लिप भी हवा में है, इसमें पीछे साइड थोड़ी सी हल्की सी हवा में है, और इधर साइड तो स्लिप ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें भी स्लिप हवा में है, पीछे साइड थोड़ा टेढ़ी है और इधर स्लिप नहीं है, तो मतलब ये जो ओरिजिनल एडाप्टर की ये चौथी पहचान हमें समझ में आएगी, जो स्लिप होती है वो नीचे से लाइन में चिपकी हुई रहती है ना, ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है सही है और यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो डिफरेंट अलग ही समझ में आता है। ये कनेक्टर लटकाने वाला बीच में है और पीछे से ये ओपन करने वाला आईफोन वाला ही ये स्लिप लगी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे एड्रेस को लेकर, नंबर को लेकर, ABCD अल्फ़ाबेट को लेकर बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है। अगर मैं उसको बता भी दूंगा ना आपको, जैसे HN नंबर से ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे मैं देखता हूँ ना तो HN नंबर से नहीं है, ZM नंबर से है। दूसरे एडाप्टर में देखता हूँ तो इसमें तो स्लिप ही नहीं है, है ना, और इसमें देखता हूँ तो ZM नंबर से है, और इसमें देखते तो ZM से है, और इसमें देखेंगे यहाँ पे तो ZM से है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी डिटेलिंग वगैरह है, लेकिन मुझे ये लगता है ना अगर मैं ऐसे डिटेल बताऊंगा ना आपको, तो आप याद भी नहीं रख पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं वो डिटेल बता रहा हूँ आपको जो कि है ना आप इजीली याद कर लो और समझ लो, जिससे आप कहीं पे भी हो ना तो आपको मेरा वीडियो बार बार प्ले करने की जरूरत नहीं पड़े और आप इजीली एडाप्टर को समझ सको कि ये जो एडाप्टर है वो ओरिजिनल है या नहीं है। आगे हम एडाप्टर की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और समझेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगाते हो ना तो उसमें कहीं ज़्यादा परसेंटेज इस बात के हैं कि आपको डुप्लीकेट मिल सकता है, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी स्टोर या शॉप से जाके लोगे तो अगर आपके एरिया में एप्पल स्टोर है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लोकल स्टोर है मोबाइलों की तो आप वहाँ पे जाके ये डिटेलिंग को कंपेयर करके देखकर समझकर ले सकते हो, तो इससे क्या रहेगा कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपके हो सकता है पूरा पैसा लग जाए और आपको ऑनलाइन डुप्लीकेट डिलीवर हो, उससे होगा क्या कि आप चार्ज भी करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डुप्लीकेट यूज़ करते रहोगे और आपके फ़ोन पे में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोकल चार्जर से चार्ज करते हो लंबे टाइम तक तो फ़ोन की डिस्प्ले आउट चलने लगेगी या फिर बैटरी परसेंटेज ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके हम देखेंगे कि एडाप्टर कैसे कैसे हैं। फर्स्ट इसको ओपन करता हूँ जो कि ओरिजिनल है, मैंने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करके देखते हैं तो यहाँ आईफोन का लोगो बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। और बाकी के भी एडाप्टर ओपन कर लेता हूँ मैं, जिससे समझ में आएगा हमें कि अब ओरिजिनल और डुप्लीकेट में और भी अंदर से क्या डिफरेंट हम निकाल सकते हैं, तो मैं सभी ओपन कर लेता हूँ। हाँ, मैं जब तक ओपन कर रहा हूँ तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और आपको लगता है ना कि वीडियो में मुझे और भी कुछ अलग करना चाहिए था तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। गाइस, ये सारे एडाप्टर मैंने ओपन कर लिए हैं और सारे एडाप्टर ओपन करने के बाद में ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि ओरिजिनल को पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, अगर ऐसा कुछ साइन वगैरह मारकर मिलता है ना तो आप समझ जाओ जिसे कि लोकल जगह का है, क्योंकि अगर ये साइन वगैरह मार्कर है ना तो मतलब किसी ने रिटेल से उसको मतलब ऐसे पहले से ओपन करके साइन करके दिया है, और एप्पल ऐसे चीज़ों को साइन करके ओपन करके देता नहीं है। साइड में देख रहा हूँ ना मैं तो सेम लग रहा है दोनों साइड से, इसके जो रेपर है ओरिजिनल का और दूसरों का रेपर भी सेम है, हम उसमें भी जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ बहुत सारी डिटेलिंग देखने के बाद में हमें थोड़ा 19-20 का ही फर्क दिखता है, जैसे 20 वाट यहाँ पे लिखा है ना तो ये मीडियम मतलब ना डार्क है ना लाइट है, यहाँ पे भी सेम है लेकिन यहाँ पर डार्क है और यहाँ पे डार्क है, तो कुछ में डार्क है कुछ में लाइट है तो जज करना मुश्किल है। यहाँ पे जो लोगो लगा है तो यहाँ पे लोगो बीच में ज्वाइंट है ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे भी ज्वाइंट नहीं है लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, बहुत लाइट है यहाँ पे ज्वाइंट नहीं दिख रहा, यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है, तो मतलब ये जो है ओरिजिनल एडाप्टर है, ये बाकी कॉपी है, कुछ कॉपी मैंने हटा दी है, लेकिन एक बेसिक चीज़ मुझे समझ में आ रही है ना, लोगों के बाद में जो लिखा है ना 410 10 14 800,
तो यहाँ पे जो है वो अलग लिखा है, यहाँ पे 411-03-128, 411-03-128, 411-03-128, तो यहाँ पे डिटेलिंग तीनों में अलग है, और यहाँ पे जो लिखा है 410-14-800, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, यहाँ पे 410-14-800 लिखा हुआ है वही अडाप्टर असली है, बाकी के नकली है। अब हम इसके बाद में इसकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, समझेंगे। गाइस कई सारे डिफरेंट देखने के बाद में एक डिफरेंट है वो भी मुझे बहुत ही यूनिक मिला है, जिससे आप पता कर सकते हो कि वो ओरिजिनल अडाप्टर है या नहीं है। अब इस अडाप्टर के अंदर एक स्लिप निकली हुई है, ये जो यूज़र मेनू गाइड निकला है, ये जो यूज़र मेनू गाइड की बुकलेट निकली है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है इसमें। अच्छा ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात यह है कि इसमें दो बुक और एक पेज निकला है, एक सिंपल पेज, एक पतली वाली बुक, और दूसरी वाली जो अडाप्टर के बारे में डिटेलिंग वाली बुक है ना, उसमें 55 पेजेस हैं, मतलब 55 पेजेस की ये जो बुकलेट निकली हुई है तो ओरिजिनल अडाप्टर में निकली है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरे अडाप्टरों में, इसमें तो बुक ही नहीं है, सिंगल पेज भी नहीं है, एक इसमें भी नहीं है कुछ भी, इसमें एक बुक निकली है। अब इसमें जो बुक निकली है सिंपल, जो लास्ट वाली बुक है ना यहाँ पे 53 पेजेस वाली, वो बुक निकली है। अब इसमें देखते हैं ना तो ओनली 23 पेजेस हैं, तो ये एक बड़ा अंतर पता चला है मुझे, जिसके अंदर से ये बात क्लियर समझ में आई है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल है इसके अंदर 53 पेजेस की बुकलेट रखी हुई है। एक और अडाप्टर है इसके अंदर भी बुक निकली है, बट इसके पेजेस भी हम देखते हैं ना तो कम दिखाई देते हैं, ये भी 23 पेजेस है। अब इसको छोटी वाली पतली वाली जो बुक है इसको मैं चेक करता हूँ ना, तो इसमें पेजेस की क्वांटिटी लिखी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एक सिंपल कागज है, एक पतली वाली बुक तो, जो मोटी वाली बुक तो उसमें 55 पेजेस हैं बस, बाकी दूसरे में बुकलेट कितने सारों में नहीं है और जितनों में भी है तो 23 पेजेस की है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अडाप्टर हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। गैस चार्जिंग में मैंने चेक करा अडाप्टर को लेके, तो कई सारे अडाप्टर में चार्जिंग स्लो चेयर चार्ज हो रही है, जो कि 1-2 मिनट का ही फर्क ले रही है 10% में, और कई सारे अडाप्टर में सेम और जो ओरिजिनल अडाप्टर है उससे भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर रही है। तो हम चार्जिंग लगा के ये चेक करना कहीं भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिससे हम ओरिजिनल को पकड़ सकें, जिसके अंदर मैंने आपको पहले जो कई सारी डिटेल बताई है ना, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी पैकेजिंग को लेके, उसकी स्लिप को की जगह को देखकर, उसके जो अंदर कोडिंग है उसको लेकर, और यही सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें देखने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुकलेट वगैरह जो ओरिजिनल में आ रही है और डुप्लीकेट में नहीं आ रही है, इनके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। और आपको और भी किसी और बात की जानकारी चाहिए, या मोबाइल को लेकर कोई और सेटिंग चाहिए, या किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है आईफोन के अंदर, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, हमसे जो भी बन पड़ेगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको और भी अच्छी डिटेलिंग क्लियर करके देंगे, जिससे आपकी हेल्प हो सके। हम आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।